जय माता रानी। आप देख सकते हो जब हम एक साथ दो जोत एक साथ लगा देते हैं, जोड़े में लगा देते हैं, उसमें चावल डालते हैं, उसमें डालते हैं हम लौंग। ऐसा दीपक जब हम जलाते हैं और ऐसी आकृति बनती है, दो पिंडी एक साथ दिखती हैं, ये जोड़े की कहा जाता है। बहुत सारे देवी देवता जोड़े में ही रहना पसंद करते हैं, या कहते हैं कि शक्तियाँ तभी चलती हैं जब वो जोड़े में चलती हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब हम माता रानी की जोत जलाते हैं तो साथ में क्या, तो हमें कभी भी आप देख लेना जो माता रानी के सेवक है वो उनके साथ चलते हैं। और कई बार हम घर में जो जोड़े की आकृति जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, उसमें हम शिव और पार्वती को एक साथ बुलाते हैं। पर हमारे यहाँ पर जब भक्ति के मार्ग में हम चलते हैं तब हम जोड़े में चीज़ें लेकर चलते हैं। जैसे माता काली की जब हम पूजा करते हैं, साथ में हम हनुमान की करनी पड़ती है, तभी जाकर माता की सेवा सफल हो पाती है। ऐसे ही माता रानी के साथ भैरव, भैरव के इतने सारे रूप हैं, जो 56 का तो एक प्रचलित रूप भी बताया गया है, और इतने हैं कि अनगिनत, जिनके बारे में हम सब नहीं जानते हैं। और माता रानी के साथ हनुमान जी, भैरव, गोरखनाथ जी, और इतने भक्ति मार्ग में हैं, हर क्षेत्र के अलग-अलग जो देवता हैं वो भी चलते हैं, जो माँ की सेवा करते हुए उनका मार्ग आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखो माता काली के साथ साथ ये पूजा करते हैं हनुमान जी की, इसलिए इनकी आराधना काफ़ी अच्छी चल रही है। हम जब भी माता रानी को याद करते हैं तो साथ में उनके सेवक को जरूर बुलाना चाहिए, तभी चलकर आपके घर में माता रानी का पूर्ण रूप से वास हो पाएगा। बोलो जय माता रानी की। बाबा का आशीर्वाद, SPM चैनल। यहाँ देखो हनुमान जी की जब हम आराधना कर रहे हैं तो ऐसी आकृति जब बनती है, इसका मतलब हनुमान जी की कृपा आपके पास आनी शुरू हो गई है, हनुमान जी खुश हो गए हैं। यहाँ पर हनुमान जी की आकृति भी बनी हुई है, जो हम ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है, पर ये उनका एक रूप बनना शुरू हो गया है। बोलो जय हनुमान जी की।